जय माता दी। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा YouTube चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा, मेरी वॉइस अच्छे से नहीं आ पा रही होगी, इसीलिए प्लीज़ आप इसे इग्नोर करिएगा। आज इस वीडियो में हम आप सबको दुर्गा भवन का जो अपडेट है वो देने वाले हैं, दिखाने वाले हैं दुर्गा भवन कितना बना है और क्या कुछ नया इन्फॉर्मेशन अभी है दुर्गा भवन से जुड़ा। इसके साथ साथ हम आपको स्काई वॉक का काम भी दिखाने वाले हैं। तो अब देखिए कितना सुंदर नज़ारा माता रानी के भवन से हमें देखने को मिल रहा है। सामने ही दुर्गा भवन है, ये आप देख रहे हैं दुर्गा भवन है। इसके साथ साथ बगल में ही तृप्ति भोजनालय है। इसके साथ साथ मैं आपको स्काई वॉक का काम पहले दिखाता हूँ। ये देखिए स्काई वॉक है, ठीक है, यहाँ पर आपको स्काई वॉक देखने को मिल रहा है। ये स्काई वॉक है जिसका काम आप देखिए लगभग लेयर आपका ऊपर का कंप्लीट हो चुका है, नीचे का भी काम हो रहा है और मुझे जल्द उम्मीद है कि बहुत जल्द ये काम कंप्लीट हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे स्काई वॉक कितनी तेज़ी से बन रहा है, वहाँ तक पूरा स्काई वॉक बनने का उम्मीद है। अभी हम आपको दुर्गा भवन दिखा रहे हैं, सामने दुर्गा भवन है। दुर्गा भवन ऑलमोस्ट आप देख पा रहे होंगे कि बाहर से तो कंप्लीट दिख रहा है, अब हम आपको नीचे लेकर चलते हैं और वहाँ से दिखाते हैं क्या अपडेट है। साथ ही साथ यहाँ देखिए माता रानी का त्रिकुटा पर्वत, इधर SDM ऑफिस है। जब आप अगर SDM ऑफिस आना चाहते हैं या कालिका भवन आना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं, कालिका भवन यहीं पर है, आप देख लीजिए ये है। और यहाँ से हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, चलिए नीचे चलते हैं और आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं दुर्गा भवन से जुड़ी। जय माता दी, जय माता दी। अब हम नीचे आ चुके हैं और देखिए दुर्गा भवन का नीचे से वीडियोज़ आप देख रहे हैं। यहाँ देखिए पूछताछ एवं स्वागत, मतलब यहाँ से आपको एंट्री करना है, रिसेप्शन काउंटर भी यहीं पर है, इंक्वायरी के लिए आप पूछ सकते हैं। और देखिए दुर्गा भवन का काम आप देख पा रहे होंगे वीडियो में किस प्रकार से बहुत ही सुंदर और खूबसूरत बन रहा है दुर्गा भवन। साथ ही साथ इधर आप देख रहे हैं गेट नंबर 5 है, आपको पता ही है भक्त आते जाते रहते हैं। इधर कालिका भवन मैंने आपको दिखाई दिया और ये देखिए दुर्गा भवन जो है ऑलमोस्ट बन रहा है। ये देखिए इस तरह के जो कुछ कार्य हो रहे हैं, यहाँ पे इंडिकेशन भी बताया गया है कहाँ पर आपको क्या है क्या नहीं है। इतनी दूर से दिख नहीं रहा है लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इधर देखिए नीचे यहाँ पर लॉकर भी बन रहा है। ये देखिए लॉकर, आई होप आप हल्का सा देख पा रहे होंगे, ये लॉकर है। इस तरह से लॉकर में आपको सामान की व्यवस्था मिलेगी, ठीक है। ये दुर्गा भवन है पूरी तरीके से, इसके साइड में ही तृप्ति भोजनालय है। तो ये दुर्गा भवन ऑलमोस्ट मुझे उम्मीद है कि इस नवरात्रों पर इनॉग्रेट कर दिया जाएगा भक्तों के लिए। और मैं आपको अभी चलता हूँ आगे और वहाँ से थोड़ी दूरी पर पहुँच कर आपको यहाँ का क्लिप दिखाता हूँ और जानकारी शेयर करता हूँ। फ्रंट से मैंने आपको दुर्गा भवन दिखा दिया है किस प्रकार से अभी कंस्ट्रक्शन में है, लेकिन ऐसा उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है दुर्गा भवन कम्प्लीट हो जाएगा और नवरात्रों में भक्तों के लिए भी शुरू हो जाएगा। चलिए जय माता दी। स्काई वॉक का काम हो रहा है और स्काई वॉक का काम मैंने आपको वहाँ से दिखाया भी था वीडियो क्लिप के माध्यम से कि किस प्रकार से स्काई वॉक का काम चल रहा है। हालांकि स्काई वॉक से इसी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं है, यात्रा स्मूथली चल रही है, यात्रा पर कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ऊपर के कुछ जो है मैं कह सकता हूँ कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से स्काई वॉक बनाया जा रहा है। आप खुद सोचिए कितना टफ कह सकता हूँ डेवलपमेंट है इतने ऊपर भवन पर आकर। बट श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा इस कार्य को भी संपन्न किया जा रहा है। माता रानी के आशीर्वाद से श्राइन बोर्ड निरंतर आप सबकी लिए अपना नया नया वर्क कर रहा है, नया नया कंस्ट्रक्शन के वर्क ही कर पा रहे हैं। और आप देखिए किस तरह का यहाँ का नज़ारा है स्काई वॉक का। अभी हम आगे चलकर आपको दुर्गा भवन की जानकारी भी देते हैं अच्छे से। यहाँ से हम आपको जानकारी देंगे दुर्गा भवन की। पहले आप फ्लोर देखिए, मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि अलग अलग तरीके से इसके फ्लोर बनाए जा रहे हैं। नीचे का जो मंजिला होने वाला है वहाँ पर श्राइन बोर्ड द्वारा बहुत पहले ही इन्फॉर्मेशन शेयर किया गया था कि यहाँ पर जो है वो गाड़ियों के पार्किंग का सुविधा होगा, ठीक है। ऊपर की फ्लोर जो है, ऊपर का फ्लोर जो आप देख रहे हैं वहाँ पर रहने की सुविधा होगी और इसके साथ साथ अलग अलग फ्लोर पर अलग अलग सुविधाएं मिलेंगी भक्तों को। ऊपर टेरिस्ट भी है जहां पर भक्त रुक सकते हैं, उसकी व्यवस्था भी बनाई जा रही है। नेस्ले के कॉफ़ी शॉप्स भी ओपन हो रहे हैं, यहां पर ओपन होंगे नेस्ले के कॉफ़ी शॉप भी यहां पर ओपन होंगे, आप देख रहे होंगे ऊपर। और इस तरह से दुर्गा भवन बनेगा। हालाँकि आप देखिए काफ़ी इनोवेशन कम्प्लीट हो गया, कलर पेंटिंग हो चुकी है, लाइटें भी लग चुकी हैं और अंदर बेड का काम चल रहा है और बेड का काम ऑलमोस्ट नवरात्रों में फिनिश हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा और बड़ा इनिशिएटिव है, आप देख रहे होंगे। देखिए कितना प्यारा यहाँ से नज़ारा है,
तो इस वीडियो में हमने ऑलमोस्ट जितनी जानकारी हमारे पास थी हमने आपसे शेयर किया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में। जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। नमो।